हमारे आधुनिक जीवन का स्थायी भाव मीन्स हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। हमारा जीवन तो समृद्ध हुआ लेकिन हमें सहारा लेना पड़ा यंत्रों का। अभी वो कैसे, सुबह उठने के बाद स्कूल जाने के वक्त ब्रेड टोस्ट करना है, हमने टोस्टर निकाला, कपड़े धोने हैं मशीन में डाले, और बर्तनों को साफ करना है वह बर्तन भी हमने डिश वॉशर में डाला और इस प्रकार से उपयोग किया। इसका मतलब आधुनिक जीवन हमारा यांत्रिक हो गया और हमें अनेक समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा। और फिर तंदुरुस्ती, स्वस्थ स्वास्थ्य हमें अच्छा मिलने के लिए योग साधना को अपनाना पड़ा। चलो तो बच्चों, अभी नया आसन देखने से पहले हम हमारे सेशन की शुरुआत मेडिटेशन से करेंगे। बी रेडी ऑल ऑफ यू, सिट इरेक्ट, बैक स्ट्रेट, फेशियल एक्सप्रेशंस नॉर्मल, जेंटली क्लोज योर आईज, बोथ द हैंड्स ऑन योर नीज, द्रोण मुद्रा पोजिशन, सिट इरेक्ट एंड जस्ट 3 to 5 टाइम्स ब्रीदिंग राउंड्स, पूरक रेचक, पूरक रेचक, कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन, फोकस ऑन योर ब्रीथ। ब्रीथिंग पूरक करते वक्त पॉजिटिव थिंकिंग, रेचक करते वक्त नेगेटिव थॉट्स हमें बाहर निकाल देने हैं। 3 to 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग राउंड्स। नाउ वी विल बिगिन विथ ओमकार चैंटिंग। ओम का उच्चारण, अभी जो हम ओमकार करते हैं उस ओमकार शारीरिक स्तर पर का उच्चार हम जोरों से करेंगे तो शरीर शांत शिथिल होने के लिए, शरीर के ऊपर जो ताण तनाव है वो कम होने के लिए हमें उपयोग होगा। और इसीलिए बी रेडी फॉर ओमकार चैंटिंग। आज का जो उच्चार हम करेंगे वो थोड़ा बड़े स्वर में लिटिल लाउडली हमें करना है। बी रेडी, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, नेक टू वेस्ट, कंप्लीट बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स ऑल्सो बिहाइंड लिटिल, डोंट ड्रॉप आउट योर शोल्डर्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, डीप पूरक, लाउडली उच्चार, ओम। ब्रीद इन, ओम। ब्रीद इन, जोरों से थोड़े बड़े स्वर में हमने जो उच्चार किया वो शारीरिक स्तर पर का था और इसीलिए शरीर पे जो ताण तनाव है थे वो अभी कम हो गए हैं। अभी हम मंत्र चैंटिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। मंत्र चैंटिंग जो है वो आज का हम गणपति मंत्र करने वाले हैं, इसीलिए नमस्कार मुद्रा, सिट स्ट्रेट इरेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस अगेन नॉर्मल, गणपति मंत्र। ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। जेंटली ओपन योर आईज, बोथ द हैंड्स ऑन योर नीज,
रिलैक्स योरसेल्फ, मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव डालने वाला मंत्र चैंटिंग हमने अभी की। अभी वार्मिंग अप हमारे जो सूक्ष्म व्यायाम है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज है वो एल्बो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। हमारे जो शोल्डर से लेके फिंगर्स तक का हाथों का जो पोर्शन है उसमें से महत्वपूर्ण पार्ट एल्बो, उसकी तरफ आज हमारा ध्यान है। उसे और स्ट्रांग सशक्त करने के लिए यह एल्बो एक्सरसाइज। अभी हम क्या करेंगे, हैंड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ यू, फाइव फिंगर्स प्रॉपरली टुगेदर एंड सिट इरेक्ट। नाउ बोथ द हैंड्स फिंगर्स ऑन योर शोल्डर्स, एल्बो एक्सरसाइज स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5 और एक बार 1, 2, 3, 4, 5 बोथ द हैंड्स डाउन, जस्ट टेक रेस्ट, नॉर्मल ब्रीदिंग। सेकेंड एक्सरसाइज जो अभी हम करने वाले हैं वो शोल्डर से लेके हम एल्बोज तक वो एक्सरसाइज देने वाले हैं। इसीलिए जो दूसरा एक्सरसाइज हम करेंगे, फिंगर्स को इस प्रकार से हमें पकड़ना है और अभी हमें एल्बोज को नीचे और ऊपर की तरफ हमें उसे हिलाना है। जस्ट सी, स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे जो फिंगर्स हमने दबा के जो पकड़े हैं उसे हमें एकदम टाइटली पकड़ना है, तो ही हम हमारे सिर्फ एल्बोज की मूवमेंट कर पाएंगे। और एक बार फिर से आप ध्यान से देखेंगे और बाद में करेंगे। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5 मेरे हाथ आगे के जो फिंगर्स है वो नहीं हिल रहे, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमें करना है। बोथ द हैंड्स डाउन, नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी जो हम लोगों ने एक्सरसाइज किए वो एल्बोज को स्ट्रांग करने के लिए, हम लोगों ने हाथों को स्ट्रांग करने के लिए हमने यह एल्बो एक्सरसाइजेस किए। आज का जो नया आसन हम देखने जा रहे हैं वह है मार्जारासन। आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तवः चतुरक्षिति लक्षाणि शिवेन कथितं पुरा। इस श्लोका का अर्थ इस प्रकार से है कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं। ऐसे कहा जाता है कि 84 लक्ष वह जीव जंतु जो है उन्हीं के नाम आसनों को दिए गए हैं, ऐसे हमारे ग्रंथों में कहा गया है। और इसीलिए आज का जो आसन है वह है मार्जारासन, यानी कि कैट पोज। हम सबने बिल्ली को देखा है, बिल्ली जबी जिस प्रकार से अपने बैक पोर्शन को ऊपर की तरफ नीचे की तरफ खिंचाव देती है, उसे स्ट्रेच करती है, उसे उस प्रकार का जो पोजीशन है वह पोजीशन हमारा बैक पोर्शन की जगह हमें दिखाना है, और इसीलिए इसे कहेंगे मार्जारासन कैट पोज। यह जो आसन है, यह आसन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि यह आसन के दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग है और पार्ट 2 जो है वो फॉरवर्ड बेंडिंग है। पार्ट 1 जब भी हम करेंगे तभी हमें नेक को और बैक को अच्छी तरह से बैकवर्ड बेंडिंग देना है, और पार्ट 2 जब भी हम करेंगे तभी नेक पोजीशन और जो ऊपर का बैक पोर्शन सब है वो हमें नीचे की तरफ, चेस्ट की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग में लेके जाना है। तो यह दो महत्वपूर्ण जो एक्शंस इस मार्जारासन में है वो करते वक्त हमें ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि जो पार्ट 2 पोर्शन फॉरवर्ड बेंडिंग वाला जो है वह मैं बताना चाहूंगी कि जो स्पॉन्डिलाइसिस के पेशेंट है उनको यह पार्ट 2 नहीं करना है, उनको
फॉरवर्ड बेंडिंग वर्ज्य है, इसीलिए वह ये पार्ट नहीं करेंगे। सिर्फ पार्ट वन करके वह अच्छी तरह से बैक पोर्शन को, नेक को एक्सरसाइज देके स्पॉन्डिलाइसिस के लिए यह एक्सरसाइज उनको करना ही है। यह एक्सरसाइज एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर वह उन्हें पार्ट वन करना है, लेकिन पार्ट टू उनको वर्जित है। अभी मार्जारसन का प्रैक्टिकल देने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि यह कैसे हमें आसन करना है। जैसे बिल्ली चार पैरों के ऊपर खड़ी होती है, अभी हमारे चार पैर मीन्स दो हाथ और दो पैर, उस प्रकार की बिल्ली की तरह पोजीशन हमें लेनी है। हमारे हाथ, हमारे नीज, हमारे हील्स, वहां हमें डिस्टेंस जो है वो शोल्डर में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमें पैरों में आगे और पीछे रखना है, और बिल्ली की तरह हमें चार पैरों के ऊपर खड़े रहना है। नेक और हमारा बैक पोर्शन जो है वो एक ही लाइन में स्ट्रेट है, और फिर बाद में हमें आसन करना है। चलो अभी मैं आपको यह आसन कैसे करना है उसकी विधि जो है, उसका डेमोंस्ट्रेशन जो है वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। जब ही हम यह पार्ट वन और पार्ट टू करेंगे तभी बैक साइड में पार्ट वन में यू शेप आता है, नीचे की तरफ पेट की तरफ, बैक और पेट की तरफ अगर आप देखते हैं तो यू शेप वहां आता है। और जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग पार्ट टू करेंगे तभी ऊपर की तरफ वह यू शेप उल्टा हो जाता है। तो वह यू शेप मेंटेन करते हुए हमें बैक पोर्शन को एक ही समय में हमें स्ट्रेच और प्रेशर दोनों देना है। चलो तो बच्चों अभी हम मार्जारसन का डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को अच्छी तरह से स्ट्रेच और प्रेशर एक ही आसन में मिलने वाला यह कैट पोज अभी मैं डेमोंस्ट्रेशन करने जा रही हूं। कैट जिस प्रकार से चार पैरों के ऊपर खड़ी रहती है उस प्रकार से हम खड़े रहेंगे। हमारे दो हाथ और दो पैरों को हमें यूज करना है। अभी दोनों हाथ, दोनों पैर और टोज तीनों में सेम डिस्टेंस, नेक और बैक पैरेलल टू ग्राउंड। पार्ट वन मार्जारसन बैकवर्ड बेंडिंग, फाइव फिंगर्स प्रॉपरली डाउन टुगेदर, फ्लैट टोज, ब्रीद इन, स्टार्ट पार्ट वन। Slowly come down, normal position. Part 2, forward bending. Breathe in, breathe out, breathe in. Slowly come up. किया तभी आपने देखा होगा कि यू शेप आया है और हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर आता है, और जब भी पार्ट टू किया तभी प्रेशर हमारा स्टमक की तरफ और ऊपर स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग एक ही आसन में, उसके जो फायदे हैं वो हमें एक ही आसन में मिलते हैं, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड के लिए, हमारे पूरे बैकबोन के लिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो आसन हमने देखा वह है कैट पोज। स्पाइनल कॉर्ड को अच्छी तरह से स्ट्रेच मिलने वाला यह जो कैट पोज मार्जारसन देखा, उसमें जब भी हम फाइनल पोजीशन में दोनों पार्ट वन पार्ट टू में जब भी जाएंगे तभी हमें हमारा कंसंट्रेशन हमारे बैक पोर्शन के ऊपर, लेकिन आंखों को बंद करते हुए हमें पूरक और रेचक कंपलसरी ही करना है, और आईज क्लोज करके हमें कंसंट्रेशन ब्रीदिंग के ऊपर हमें रखना ही है।
जैसे हम आसन की शुरुआत हम करते गए उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम रिवर्स एक्शन में हम आसन को छोड़ते गए और मार्जारासन हमने आज सीखा। चलो अभी हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ मार्जारासन। यह जो मार्जारासन है, जब ही आपने डेमोन्स्ट्रेशन देखा तभी ही आपके समझ में आया होगा कि रीढ़ की हड्डी जो है, अपना स्पाइनल कॉर्ड जो है, उसको मजबूत करने का काम यह आसन करता है। साथ ही साथ पाचन शक्ति में सुधार लाने का काम भी यह आसन करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स की जिन्हें समस्या है उनके लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि आपको आपने देखा होगा कि जब भी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया तभी हमारे गले के यहां हमें प्रॉपर प्रेशर प्रॉपर स्ट्रेच मिलता है और हमारी ये जो थायराइड पैराथायराइड की ग्लैंड जो है वो उसी गले के बीच में है, तो उसे अच्छा एक्सरसाइज मिलने की वजह से इन पेशेंट के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। इस आसन को करने से हमारे कंधे जो है, हमारी कलाइयां हैं, शोल्डर्स, हमारे एल्बोज मजबूत करने का काम भी यह आसन करता है। अभी हम देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ मार्जारासन, क्या सावधानियां यह आसन करते वक्त हमें बरतनी चाहिए। अगर आपकी गर्दन में अगर चोट हो, पेन हो, दर्द हो, तो आपको यह आसन करने की कोशिश नहीं यह आसन करना है। वह पेन थोड़ा कम होने के बाद आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन फिर भी गाइडेंस के साथ ही। पीठ या घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों को यह मार्जारासन वर्जित है, उनको नहीं करना है। बच्चों अभी मैं आपको बताऊंगी कि यह जो आसन हमने मार्जारासन कैटपोज किया, वो सब आसन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यह आसन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो 66% मसल्स जो है वो रिलेटेड मसल जो है वो वहां है, और इसीलिए अगर हमारा बैकबोन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड अगर अच्छा होगा, फिट होगा, तो ही तो हम फिट रहेंगे ना बच्चों। इसीलिए यह कैट पोज रोज की योग साधना में करना बहुत जरूरी है, उसका अंतर्भाव होना ही चाहिए। इसलिए मैं कहूंगी खुद को तन मन से शक्तिशाली बनाएं, खुद को तन मन से शक्तिशाली बनाएं, आओ मिलकर सभी योग अपनाएं, आओ सभी मिलकर योग को अपनाएं। थैंक यू।